हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। जिस प्रॉब्लम में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा उस टाइप के प्रॉब्लम को हम किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, उसमें किस किस वैरायटी का प्रॉब्लम मिलेगा, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए, जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा, फिर हम बात करें कॉस इनवर्स कॉस थीटा की, या फिर हम बात करें टैन इनवर्स टैन थीटा की। तो साइन इनवर्स साइन, आप लोग अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ें, आपके सिलेबस में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि आप आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, यहां पे गौर करें, यहां पे ये जो माइनस वन दिख रहा है ये माइनस वन एक्चुअली पावर का माइनस वन नहीं है, ये साइन इनवर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? साइन इनवर्स। उसी तरह से कॉस पे जो माइनस वन है ये पावर माइनस वन, इसको नहीं पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं कॉस इनवर्स और इसको हम पढ़ते हैं टैन इनवर्स। तो साइन का इनवर्स है साइन इनवर्स, टैन का इनवर्स है टैन इनवर्स, और कॉस का इनवर्स है कॉस इनवर्स। तो अगर यहां पे दो फंक्शन सेम, ये भी साइन ये भी साइन, लेकिन फर्क ये है कि इसका ये इनवर्स है, यहां पे दोनों फंक्शन सेम, ये भी कॉस, यहां पे दोनों फंक्शन सेम, ये टैन ये भी टैन, लेकिन फर्क ये है कि यहां पे इसका इनवर्स कॉस है और इसका इनवर्स टैन इनवर्स है। तो अगर एक दूसरे का इनवर्स हो तो ये बराबर होता है थीटा के, ये और भी बहुत सारा वैल्यूज होता है फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा, बट यहां पे आप याद रखेंगे डिफरेंशिएशन में उतना जरूरत नहीं है, वो आप देखेंगे कि इसका वैल्यू कब चेंज करता है, जब अलग अलग रेंज के लिए इसका वैल्यू चेंज करेगा, जो कि आप पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। अभी बस आपको याद रखना है कि साइन इनवर्स साइन अगर है तो थीटा, टैन इनवर्स टैन अगर है तो थीटा, कॉस इनवर्स कॉस अगर है तो थीटा। मतलब कि अगर दो फंक्शन सेम हो, दो फंक्शन सेम दोनों एक दूसरे का इनवर्स, दो फंक्शन सेम दोनों एक दूसरे का इनवर्स, और दो फंक्शन सेम दोनों एक दूसरे का इनवर्स, तो जो आर्गुमेंट है वही रिजल्ट हो जाएगा। अगर आपके पास है साइन इनवर्स साइन पाई बाय टू प्लस थीटा, यहां पे गौर करें साइन इनवर्स साइन पाई बाय टू प्लस थीटा, तो ये दोनों क्या है आपका सेम है, तो ये दोनों सेम है, तो यहां पर आर्गुमेंट क्या है पाई बाई टू प्लस थीटा, तो ये आपका बराबर हो जाएगा पाई बाई टू प्लस थीटा के। लेकिन आप एक चीज याद रखेंगे, ये हमेशा बराबर नहीं होता है, लेकिन डिफरेंशिएशन में आपको उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको बस ये कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि अगर ये दोनों सेम है ये दोनों सेम है तो जो थीटा है वही थीटा यहां पर आ जाएगा। तो इसको आप याद रखेंगे, इसका जरूरत आने वाला है इस चैप्टर में, तो इसलिए ये चीज हम पहले डिस्कस कर दिए। अब हम आते हैं इसके वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम में, किस पे किस किस टाइप का प्रॉब्लम मिलेगा। तो इनवर्स के डिफरेंशिएशन में आपको तीन टाइप का प्रॉब्लम मिलता है। पहला टाइप का, जैसे बाहर में हम मान देते हैं साइन इनवर्स है, बाहर में साइन इनवर्स, तो ध्यान दे पहले टाइप के प्रॉब्लम में बाहर में साइन इनवर्स है, यहां पे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म्स में रहेगा, मतलब आर्गुमेंट जो रहेगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म्स में रहेगा। यहां पे साइन इनवर्स है लेकिन यहां पे जो आर्गुमेंट रहेगा वो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स में रहेगा, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स में। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर है साइन इनवर्स टू एक्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, आप देख सकते हैं इनवर्स के साथ क्या अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इनवर्स के साथ क्या अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और यहां पे हो सकता है कि साइन इनवर्स आपके पास कुछ भी आ जाए, साइन थीटा डिवाइड बाय वन प्लस कॉस थीटा, यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इनवर्स में मेनली दो टाइप का प्रॉब्लम आपको मिलेगा, बाहर में हमेशा इनवर्स रहेगा ये कंफर्म है, बाहर में हमेशा इनवर्स रहेगा,
फर्क बस ब्रैकेट में पड़ेगा, एक में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलेगा तो एक में आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा। जैसे यहां पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास क्या है, 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके पास क्या है, साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। और तीसरा टाइप का जो प्रॉब्लम है वो स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम है जो कि हम इन दोनों के बाद डिस्कस करेंगे। तो इसमें तीन वेराइटीज मिलेगा, एक में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगा, एक में अलजेब्रिक फंक्शन एक्सप्रेशन रहेगा, और एक स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम जिसमें एक्सपोनेंशियल भी आ सकता है, लॉगरिथमिक भी आ सकता है। तो हम सबसे पहले इस टाइप के प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं कि बाहर में इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बाहर में इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इसमें हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, उसके प्रॉब्लम के साथ ही हम इसको डिस्कस करेंगे और समझाएंगे। जैसे मेरे पास एक प्रॉब्लम है, टैन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर है साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। गौर करें, बाहर में आपके पास इनवर्स फंक्शन, आर्गुमेंट में आपके पास क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये पहला वेराइटी मतलब फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है। इस पूरे को हम वाई मान दिए। अब इसमें मेन काम क्या होता है, मेन सोच क्या होता है, अब बाहर में देखिए टैन है तो आपको क्या करना है, किसी भी तरह से सिंप्लीफाई करके इस पूरे को टैन में कन्वर्ट करना है। ध्यान दे, बाहर में आपके पास टैन है, बाहर में आपके पास टैन है तो आपको किसी भी तरह से सिंप्लीफाई करके इस पूरे को टैन में कन्वर्ट करना। अब इस पूरे को टैन में कन्वर्ट करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कंसेप्ट लगेगा। ट्रिग्नोमेट्री इसलिए अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लें जो आप क्लास 11th में पढ़े। बाहर में टैन, यहां पे आपके पास क्या आना चाहिए, टैन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, टैन। तो इस पूरे को किसी भी तरह से हमको टैन में कन्वर्ट करना है, और यही लॉजिक है, जो बाहर में रहेगा वही अंदर आना चाहिए, जो बाहर में रहेगा वही अंदर आना चाहिए। अगर बाहर में साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन इनवर्स आना चाहिए, अगर बाहर में कॉस इनवर्स है तो अंदर भी कॉस इनवर्स आना चाहिए। तो यहां पे हमको टैन लाना है, ये टैन इनवर्स लिखे पहले, साइन एक्स, साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, नीचे है 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। लिख दीजिए, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, इधर से ये और ये कैंसिल। साइन एक्स का मल्टीपल सब मल्टीपल से आप जानते हैं साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। मल्टीपल सब मल्टीपल से आप जानते हैं कि 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो मेरे पास यहां पे क्या आ गया, टैन इनवर्स, ये साइन और नीचे कॉस, तो साइन बाई कॉस मिलके क्या बन गया, टैन। तो ये गौर करें, आपके पास टैन इनवर्स आया और यहां पर टैन आया, यहां पे टैन इनवर्स और यहां पे टैन, तो टैन इनवर्स और टैन है ये मिलके आपका क्या बन जाएगा, एक्स बाई 2, अभी हम डिस्कस किए थे ये वाई। हमको निकालना क्या है, डीवाई डीएक्स फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, डीवाई डीएक्स। तो गौर करें, डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। यहां पे आप खुद देखें, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, 1 बाई 2 आपका बच गया, तो ये 1 बाई 2 आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप के प्रॉब्लम के पीछे, इस टाइप के प्रॉब्लम में लॉजिक क्या है, इस टाइप के प्रॉब्लम को बनाना कैसे है, आपको बस दिमाग में ये रखना है। आप पहले ये देख ले कि ब्रैकेट के अंदर है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक है या अलजेब्रिक है, यही दो चीज मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक है या अलजेब्रिक है। ट्रिग्नोमेट्रिक है तो ये ज्यादा आसान है, बाहर में जो है उसी के टर्म्स में अंदर वाले को एक्सप्रेस करना। गौर करें, यहां पे टैन था बाहर में तो अंदर भी हम किसके टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिए, टैन में। अगर साइन होता तो इसको हम किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करते, साइन के टर्म्स में। तो बाहर जो है वही अंदर होना चाहिए। अब यहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, साइन एक्स है तो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स है तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये और ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, साइन एक्स बाई 2 डिवाइड बाई कॉस एक्स बाई 2 आपका क्या बनता है, टेन एक्स बाई 2, ये दोनों मिलके क्या बन गया, x बाई 2, आर्गुमेंट अभी बताए थे, तो y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, x बाई 2, डिफ्रेंशिएट किए, रिजल्ट आ गया डिवाइड x इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाई 2। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी पे, कि और अच्छे से आप लोगों का क्लियर हो जाए। एक प्रॉब्लम है आपके पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x प्लस कॉस x बाई रूट 2। ध्यान दें,
यहां पे इनवर्स, यहां पे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बाहर में साइन है, तो इस कंप्लीट को एक सिंगल टर्म साइन में कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट करते हैं, ये साइन इनवर्स है, इसको हम 1/√2 साइन एक्स लिख सकते हैं, इसको हम 1/√2 कॉस एक्स लिख सकते हैं। फिर ये आपके पास क्या आ गया, साइन इनवर्स 1/√2, 1/√2 को हम कॉस पाई बाई 4 कह सकते हैं, तो ये साइन एक्स इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 बना। आप अगर गौर से देखें तो ये कंपाउंड एंगल के फॉर्मूला में है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 कह सकते हैं। यहां पे गौर करें, ये साइन इनवर्स है साइन एक्स प्लस पाई बाई 4, यहां पे साइन इनवर्स और यहां पे साइन, यहां पे साइन इनवर्स और यहां पे साइन, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स प्लस पाई बाई 4। ये कैसे हुआ, कंपाउंड एंगल साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी आपका क्या बन गया, साइन एक्स प्लस पाई बाई 4। ये दोनों यहां पे साइन इनवर्स है, यहां पे साइन, दोनों सेम आ गया, तो ये एक्स प्लस पाई बाई 4 के बराबर होगा। अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करें, डिवाइड x, x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 1, और पाई बाई 4 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 0। तो इसमें भी आप गौर करें, सेम कंसेप्ट लगा, बाहर में साइन है, अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हम वो किसी भी तरह से इस पूरे को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन में, तो पूरे को साइन में कन्वर्ट करना, तो 1/√2 को अलग किए, तो 1/√2 साइन एक्स आया, 1/√2 कॉस एक्स आया। इस 1/√2 की जगह पे हम क्या लिख दिए, कॉस पाई बाई 4, इस 1/√2 की जगह पे हम क्या लिख दिए, साइन पाई बाई 4। आप गौर करें, ये फॉर्मूला में आ गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये साइन ए प्लस बी के बराबर होता है, यहां पे साइन इनवर्स है, यहां पे साइन है, तो ये किसके बराबर हो गया, एक्स प्लस पाई बाई 4। हम इसको डिफ्रेंशिएट किए तो मेरे पास डीवाई डीएक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। मेरे पास डीवाई डीएक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। यही आपका क्या हो गया, रिजल्ट। तो अब हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर ब्रैकेट के अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा तो उसको कैसे डील करेंगे। तो इसमें आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन याद रखना, जैसे हम एक प्रॉब्लम देखते हैं, मेरे पास एक प्रॉब्लम है, टैन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यह समझने की कोशिश करें, ध्यान दें, अभी हम आप लोगों को क्या बताएं कि बाहर में टैन इनवर्स है, ये कंप्लीट आपका वाई के बराबर है, तो बाहर में अगर टैन इनवर्स है तो अंदर में भी टैन आना चाहिए। और आप लोगों को एक प्रॉपर्टी भी हम बताए थे क्या, कि अगर टैन इनवर्स टैन थीटा है, टैन इनवर्स टैन थीटा, तो ये किसके बराबर होता है, थीटा। लेकिन ये थीटा तभी ना होगा जब बाहर टैन है तो अंदर भी टैन होना चाहिए, जब बाहर टैन है तो अंदर भी टैन होना चाहिए। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि बाहर टैन तो है, अंदर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो अंदर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन अंदर में आना क्या चाहिए, टैन। तो क्या यहां पे टैन आने का कोई चांस है, कोई चांस नहीं है। रीजन, चांस क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे टैन तभी आ सकता है जब यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहे। अगर यहां पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जगह पे, अगर यहां पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जगह पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहता तो हम उसको सिंप्लीफाई करके हम उसको चेंज कर सकते थे टैन में। लेकिन यहां पे मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो यहां पे मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से टैन आने का कोई चांस ही नहीं है। ये चांस तभी बनेगा जब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हट के यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाए। तो जब कभी भी आपके पास ब्रैकेट में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ध्यान दे, जब कभी भी ब्रैकेट में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा तो हमको वहां पे किसी भी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इंट्रोड्यूस करना है। क्योंकि जब तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इंट्रोड्यूस नहीं होगा, जब तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इंट्रोड्यूस नहीं होगा, यहां पे टैन आने का कोई चांस नहीं बनता। तो यहां पे हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इंट्रोड्यूस करना है। अब सवाल ये उठता है कि सर इंट्रोड्यूस तो ठीक है करना, लेकिन इंट्रोड्यूस किस तरीके से करेंगे, इंट्रोड्यूस करने का तरीका क्या होगा। इंट्रोड्यूस करने का तरीका क्या है कि अगर कहीं भी आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का चीज दिखता है, कहीं भी आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का चीज दिखता है, तो उस टाइप के प्रॉब्लम में आप एक्स के जगह पे
ए साइन थीटा पुट करें या फिर ए कॉस थीटा पुट करें। ध्यान दे, अगर कहीं भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का चीज दिख रहा है, वहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक को अगर इंट्रोड्यूस करना हो तो इंट्रोड्यूस करने का तरीका है एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करें या एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। अगर आपको कहीं पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का चीज दिखता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का चीज, तो आप वहां पे एक्स के जगह पे ए टैन थीटा लिखे या फिर ए कॉट थीटा। ध्यान दे, अगर आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो आप एक्स के जगह पे ए टैन थीटा रखे या ए कॉट थीटा। अगर आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का चीज दिखे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आप यहां पे एक्स के जगह पे रखेंगे ए सेक थीटा या फिर ए कॉसेक थीटा। अगर आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का चीज दिखेगा तो एक्स के यहां पे ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा। इस तीन सब्स्टिट्यूशन में मेरे पास दो दो ऑप्शन है, लेकिन आप हमेशा प्रिफरेंस फर्स्ट वाले को ही देंगे। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स कैप ए साइन थीटा पुट करें, अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो एक्स कैप ए टैन थीटा, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का चीज दिखे तो आप एक्स कैप ए सेक थीटा पुट करें। और ये पुट कब करेंगे, जब आपको अलजेब्रिक को ट्रिग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट करना हो। याद रखे, अलजेब्रिक को ट्रिग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट करना हो तो आप इस सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लेंगे। एक और होता है, अगर a माइनस एक्स ए प्लस एक्स या a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स या a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, इस चार में से कोई भी फॉर्म दिखे, इस चार में से कोई भी फॉर्म आपको दिखे, तो आप x के जगह पे पुट करेंगे a cos 2 थीटा। याद रखे, a माइनस एक्स या a प्लस एक्स, ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, इस चार में से अगर आपको कोई भी फॉर्म दिखता है तो आप एक्स के जगह पे पुट करेंगे ए कॉस टू थीटा। उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्रिक की तरह से उसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपका रिक्वायरमेंट होगा वो रिक्वायरमेंट आपका पूरा हो जाएगा। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, आपके पास है टेन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप खुद देखिए, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्म में, यहां पे देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्म में। तो अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्म में है तो आपको एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा, ए साइन थीटा। तो हम यहां पर एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करते हैं। तो अगर हम एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करें, ध्यान दे, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ए साइन थीटा क्यों पुट किए, क्योंकि यहां पे मेरे पास किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, इसलिए अब x इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू टैन इनवर्स, जहां जहां x दिख रहा सब जगह पुट करेंगे, ये ए साइन थीटा आया, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया, फिर ये क्या बनेगा आपके पास, टैन इनवर्स ए साइन थीटा बना। यहां से देखिए ए स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो ए आ गया, रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाहर में आपका टेन इनवर्स, ये ए और ए कैंसिल, साइन थीटा आया, रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या बनता है, कॉस थीटा। यहां पे गौर करें, आपके पास साइन थीटा नीचे कॉस थीटा, ऊपर साइन थीटा नीचे कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा आपका क्या बनता है, टेन थीटा। तो यहां पर आपके पास फिर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू टैन इनवर्स टैन थीटा आ गया। अब गौर करें, आपका रिक्वायरमेंट क्या था, बाहर टैन है तो अंदर भी टैन आना चाहिए, आप देख सकते हैं अंदर टैन आ गया। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू थीटा। अब यहां पे वापस रुकेंगे, y इज इक्वल टू थीटा आया, हमको फाइंड क्या करना हर प्रॉब्लम में, डिवाइड x। मेरे पास ओरिजिनली किसके फॉर्म में इक्वेशन है, एक्स के फॉर्म में, लेकिन मेरे पास आ क्या रहा, थीटा। अब हमको वापस एक्स में जाना पड़ेगा, थीटा आने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद यहां तक पहुंच जाएंगे। यहां तक पहुंचने के बाद आप याद रखेंगे वापस आपको एक्स में जाना है। एक्स में कैसे जाएंगे, यहां पे एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा है तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। आप खुद बताएं यहां से थीटा निकाल सकते हैं कि नहीं, साइन थीटा आपका क्या बनेगा, एक्स बाई ए, ये a को नीचे भेजे तो x बाई ए,
अब बताइए यहां से थीटा आपके पास क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो थीटा आपके पास क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स बाई ए आ गया। यहां पे मेरे पास वाई इज इक्वल टू थीटा आया था, हमको वापस जाना है एक्स में, वापस जाना है एक्स में। याद रखेंगे वापस किस में जाएंगे, एक्स में। तो वापस एक्स में आप इसी के मदद से जाएंगे जो आप सब्स्टिट्यूशन लगाए हैं। तो x is equal to a sin theta है, तो x is equal to a sin theta, a को नीचे भेजे, तो sin theta is equal to x by a, तो theta आपका क्या बन गया, sin inverse x by a। अब हम theta के प्लेस पे क्या रख देंगे, sin inverse x by a रखेंगे, तो y is equal to sin inverse x by a आया। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये dy dx आ जाएगा। sin inverse का डिफरेंशिएशन क्या होता, 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे ये पूरा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हुआ। इनटू चेन रूल से एक्स बाई ए का डिफरेंशिएशन, एक्स बाई ए का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई ए। तो ये 1 बाई ए आया। अब हम यहां पे एलसीएम लेते हैं तो ये ए स्क्वायर ऊपर आ जाएगा ए, ये रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई ए आया, ये ए और ए कैंसिल, मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो डिवाइड dx इज इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस टाइप के प्रॉब्लम का बेसिक कंसेप्ट क्या है, याद रखे कंसेप्ट क्या है कि यहाँ अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्री में जाना, अलजेब्रिक है ट्रिग्नोमेट्री, तो कैसे जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में, अपने आप तो नहीं जा सकते, तो उसके लिए आपको सब्स्टिट्यूशन याद रखना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन क्या है, कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स के पे ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह पे ए टैन थीटा, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स की जगह पे ए सेक थीटा या ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। तो एक्स के जगह पे आप पुट करेंगे ए कॉस टू थीटा। थीटा के फॉर्म में जाने के बाद वापस आपको एक्स में भी जाना है, ये भी याद रखे। तो वापस एक्स में चले गए, इसी के मदद से जहां पे आप सब्स्टिट्यूशन लगाए हैं उसका डिफरेंशिएट कर दिए। एक प्रॉब्लम और हम देखते हैं इस पे कि और अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। अगर आपके पास एक प्रॉब्लम है, यहां पे आपके पास एक प्रॉब्लम है, वाई इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू टैन इनवर्स x, टैन इनवर्स x डिवाइड बाई 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दे, यहां पे tan अंदर में अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो अंदर में अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया, मतलब कि यहां पे हमको ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब यहां पे सोचे सब्स्टिट्यूशन के बारे में, तो ये देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर। तो गौर करिए 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, मतलब ये कुछ इस टाइप के फॉर्म में है, जहां पे ए का काम यहां पे कौन कर रहा, 1। तो यहां पे हम x के जगह पे क्या मानते थे, a sin थीटा, तो यहां पे हमको x के जगह पे क्या मानना पड़ेगा, sin थीटा। क्यों sin थीटा माने, क्योंकि यहां पे a का वैल्यू 1 है, तो यहां पे 1 रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x के यहां पे a sin थीटा रखे, अब हम पूरा रख देते हैं x के यहां पे a sin थीटा। तो अगर हम x के यहां पे a sin थीटा पुट करें तो y इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, ऊपर sin थीटा आ गया, नीचे 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा आया। अब बताएं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, टैन इनवर्स साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो वाई इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, बाहर में टैन इनवर्स है, साइन थीटा को हम 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 2 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास, टैन इनवर्स। यहाँ पे गौर करें साइन थीटा बाई 2 है, नीचे कॉस थीटा बाई 2 है, ऊपर साइन थीटा बाई 2 और नीचे कॉस थीटा बाई 2, ये मेरा क्या बनेगा, टैन थीटा बाई 2 बना, बाहर में टैन इनवर्स यहाँ पे टैन, बाहर में टैन इनवर्स यहाँ पे टैन, ये थीटा बाई 2 बना वाई। अब गौर करें थीटा के टर्म्स में आ गया, थीटा के टर्म्स में आया, वापस हमको किस में जाना है, एक्स में। तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा है,
तो अगर x इज इक्वल टू साइन थीटा है तो आप खुद सोचे थीटा क्या बनेगा, साइन इनवर्स x बना। तो थीटा किसके बराबर हो गया, साइन इनवर्स x के बराबर। तो हम इसको यहां पे रखे तो y इज इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स x आ गया। तो y इज इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स x। अब बताइए इसका डिफ्रेंसिएशन अगर हम करें तो मेरे पास dy dx आ जाएगा, 1/2 कांस्टेंट बाहर, और साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, 1/√1 - x2। हंस रिजल्ट, तो यहां पे मेरे पास y इज इक्वल टू tan इनवर्स x डिवाइड बाय 1+√1 - x2 था। ये a² - x² के फॉर्म में है, तो a² - x² के फॉर्म में है तो हम x के जगह पे sin थीटा रखे, तो x के जगह पे sin थीटा रखे, ये sin थीटा आया 1+√1 - sin²θ। सिंपलीफाई किए तो ये tan थीटा बाय 2, ये y = थीटा बाय 2 आया। अब x sin थीटा, तो थीटा आपका क्या बनेगा, sin इनवर्स x, यहां sin इनवर्स x रखे तो ये 1/2 sin इनवर्स x, इसके हम डिफरेंशिएशन कर दिए तो ये 1/√1 - x² के बराबर आ गया। और हम देखते हैं मेरे पास एक प्रॉब्लम है, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x प्लस रूट अंडर 1 - x² डिवाइड बाई रूट 2। गौर करें यहां पे क्या, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x प्लस रूट अंडर 1 - x² रूट 2। हमको इस चीज को डिफ्रेंशिएट करना, तो यहां पे भी आप देख रहे हैं मेरे पास क्या अलजेब्रिक है और बाहर में क्या cos, मतलब अलजेब्रिक है और बाहर में cos है, मतलब इस पूरे को cos में कन्वर्ट करना, तो अगेन हम क्या लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पे देखें 1 - x² है, 1 - x² मतलब 1² - x², ये किस फॉर्म में है, a² - x² के फॉर्म में है। तो इसमें हम क्या सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, x इज इक्वल टू a sin थीटा, तो इसमें हम क्या सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, x इज इक्वल टू sin थीटा, जहां पे a का वैल्यू क्या है 1। अब जहां जहां x नजर आ रहा है वहां पे हम sin थीटा रखेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, cos इनवर्स sin थीटा प्लस रूट अंडर 1 - sin²θ डिवाइड बाई क्या आ गया, रूट 2। फिर ये क्या आ जाएगा मेरे पास, cos इनवर्स sin थीटा आया, ये रूट अंडर 1 - sin²θ क्या बनता है आपका, cos थीटा, और नीचे हम क्या लिख दिए, रूट 2। तो मेरे पास आ गया cos इनवर्स sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइड बाई रूट 2। ये कैसे आया, यहां पे 1² - x² के फॉर्म में था, a² - x² के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि अगर a² - x² रहेगा तो हम x के जगह पे क्या रखेंगे, a sin थीटा, तो हम x के यहां पे a sin थीटा रखे, तो a sin थीटा रखे मतलब a, यहां पे a किसके बराबर, 1, तो x के यहां पे हम sin थीटा रखे, तो यहां पे x था तो sin थीटा, यहां पे x था तो sin थीटा, ये sin थीटा प्लस रूट अंडर 1 - sin²θ बाई रूट 2 आया, ये रूट अंडर 1 - sin²θ क्या बनता है, cos थीटा, तो ये sin थीटा प्लस cos थीटा बाई रूट 2। अब हम इसको अलग अलग करें, तो अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो मेरे पास ये क्या बनेगा, x इज इक्वल टू, यहां पे लिखते हैं x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये मेरे पास क्या था, cos इनवर्स y इज इक्वल टू, तो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 / √2 cos थीटा प्लस 1 / √2 sin थीटा। अब नेक्स्ट ये क्या बनेगा, cos इनवर्स, ये cos थीटा 1 / √2 को हम cos π/4 कह सकते हैं, फिर प्लस sin थीटा 1 / √2 को हम sin π/4 भी कह सकते हैं। अब गौर करें ये फॉर्मूला में है, ये कौन से फॉर्मूला में है, cos a into cos b plus sin a into sin b, cos a into cos b plus sin a into sin b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a plus b, तो यहां पे हम cos a plus b रखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, cos inverse cos थीटा माइनस पाई बाई 4 आया, यहां पे cos inverse है यहां पे cos, तो ये क्या आ गया, थीटा माइनस पाई बाई 4 y आ गया। हम यहां पे सब्स्टिट्यूशन क्या किए थे, गौर करें ये थीटा के टर्म्स में है, लेकिन ओरिजिनली आपका क्वेश्चन किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में, तो वापस आपको x में जाना पड़ेगा, तो यहां पे थीटा माइनस पाई बाई 4 है, यहां पे हम सब्स्टिट्यूशन क्या किए थे आप याद कीजिए, x इज इक्वल टू साइन थीटा सब्स्टिट्यूशन किए थे, तो x इज इक्वल टू साइन थीटा किए तो थीटा आपका क्या बनेगा, साइन इनवर्स x बनेगा,
तो यहाँ पे थीटा के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, साइन इनवर्स एक्स, तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई फोर। अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो मेरे पास डी वाई डी एक्स आ जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और पाई बाई फोर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, जीरो। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। तो देख रहे हैं इस टाइप के प्रॉब्लम में, सारे प्रॉब्लम में क्या लग रहा है, सब्स्टिट्यूशन। तो जब कभी भी यहाँ पे अलजेब्रा रहेगा, जब कभी भी यहाँ पे अलजेब्रा रहेगा, तो उस टाइप के प्रॉब्लम को बनाने के लिए हमको सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लेना पड़ेगा। उस टाइप के प्रॉब्लम को बनाने के लिए हमको किसका हेल्प लेना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन का हेल्प। एक प्रॉब्लम अगर और हम देखें कि और अच्छे से क्लियर हो, तो मेरे पास एक प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर वन प्लस एक्स प्लस रूट अंडर वन माइनस एक्स डिवाइड बाई टू। ध्यान दे, यहां पे प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर वन प्लस एक्स प्लस रूट अंडर वन माइनस एक्स डिवाइड बाई टू। यहां पे देखें ये किस फॉर्म में है, वन प्लस एक्स के फॉर्म में है। हम आपको बताए हैं कि अगर a प्लस एक्स के फॉर्म में रहेगा तो आप x के जगह पे क्या रखेंगे, a cos 2 थीटा। आप खुद देखें यहां पे a का वैल्यू क्या है, 1, तो यहां पर हमको x के यहां पे क्या रखना पड़ेगा, cos 2 थीटा। जहां जहां x नजर आ रहा है क्या रखेंगे, cos 2 थीटा। तो मेरे पास y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा। यहां पे क्या आएगा, रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा होल डिवाइड बाई वॉट 2। फिर यहां से मेरे पास आया साइन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा। रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा आपका किसके बराबर होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा, तो ये रूट अंडर 2 cos स्क्वायर थीटा बनेगा, प्लस ये 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, तो ये रूट अंडर 2 sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई वॉट 2। अब देखे यहां पे रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा, रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनता है, कॉस थीटा। यहां पे रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा, रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या बनेगा, साइन थीटा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, वाई इज इक्वल टू, ये रूट टू तो रही जाएगा, बाहर में साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स रूट टू, ये पहले लिखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा प्लस रूट टू कॉस थीटा डिवाइड बाई टू। आप खुद देखे ये रूट टू और टू कैंसिल, तो कैंसिल होके क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा डिवाइड बाय रूट टू प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय रूट टू। अब यहां पे वन बाय रूट टू है, वन बाय रूट टू को हम कॉस पाई बाय फोर कह सकते हैं, तो वन बाय रूट टू के जगह पे हम कॉस पाई बाय फोर रखते हैं, तो वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, पहले ये साइन थीटा लिखें, साइन थीटा इंटू कॉस पाई बाई फोर, फिर प्लस कॉस थीटा इंटू साइन पाई बाई फोर। अब आप देखिए ये फॉर्मूला में आ गया, ये साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस पाई बाई फोर बना। नेक्स्ट ये क्या बनेगा, थीटा प्लस पाई बाई फोर, अब इन प्लेस ऑफ थीटा, याद करें हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या लगाए थे, x इज इक्वल टू कॉस टू थीटा, तो मेरा टू थीटा क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स x, तो थीटा क्या बनेगा, वन बाई टू कॉस इनवर्स x, तो यहाँ पे थीटा के यहाँ पे रख रहे हैं वन बाई टू कॉस इनवर्स x प्लस पाई बाई फोर। ये वन बाई टू कहाँ से आया, x इज इक्वल टू कॉस टू थीटा था, तो टू थीटा क्या बना, कॉस इनवर्स x, तो थीटा क्या बनेगा, वन बाई टू कॉस इनवर्स x, तो वन बाई टू कॉस इनवर्स x प्लस पाई बाई फोर। अब हम इसको डिफ्रेंसिएट करेंगे, डिवाइड dx, वन बाई टू कॉन्स्टेंट, कॉस इनवर्स का क्या आएगा, वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस, और पाई बाई फोर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, जीरो। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये था आपका पहला और दूसरा टाइप का प्रॉब्लम इनवर्स में। तीसरा टाइप का जो प्रॉब्लम है, जो एक स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आप अच्छे से बनाएं, अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से पूछें। थैंक यू वेरी मच।